दोस्तों मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज़ मैं जिस जगह पे आया हूँ उसके बारे में मैंने बचपन से सुना है और पढ़ा भी है और वो है पॉम्पेई। यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एक मैसिव किस्म का ऑडिटोरियम है और अगर आपने कभी पिंक फ्लॉयड के आप शौकीन रहे हैं तो आपने शायद वो वीडियोस देखे हों। वो पूरा एक कॉन्सर्ट है कॉल्ड पिंक फ्लॉयड लाइव एट पॉम्पेई और वो यहीं पर सारा बजा हुआ है। सो यहाँ पे वोटर्स खड़ा हुआ था, अपना गिटार बजा रहा था, अपना बेस बजा रहा था। पॉम्पेई की भी बड़ी दिलचस्प तारीख है। 79 एडी में ये जो शहर था रोमन सिटी थी, प्रॉस्परस किस्म की रोमन सिटी थी, साथ ही इसके समुंदर था। अब समुंदर थोड़ा पीछे चला गया, उस ज़माने में बिल्कुल शहर के साथ था और ये एक वॉल्केनो के नीचे सिटी है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद वॉल्केनो भी दिखाऊंगा। और रोमन्स जो थे ना वो वॉल्केनोज़ की भी इबादत किया करते थे, बड़ी सारी मुख्तलिफ चीज़ों की इबादत किया करते थे। तो वॉल्केनोज़ का गॉड था वल्कन, वो आपने स्टार ट्रैक में सुना होगा ना, वल्कन प्लानट का या वल्कन्स का। तो खैर एनीवे वो भी एक गॉड को की परस्तिश किया करते थे जिसका नाम था वल्कन। 23 अगस्त 79 AD में उन्होंने वल्कन के लिए बड़ी सारी फीस तैयार की और बड़ा उसके लिए सेरेमनी की और सब कुछ किया। और 24 अगस्त को अगले दिन ही वॉल्केनो जो है वो फटना शुरू हो गया। कुछ चंद घंटे उसमें से प्लूम्स निकलते रहे, स्मोक निकलती रही, फिर उसके बाद एकदम से उसमें से वॉल्केनिक ऐश निकली और ये पूरे का पूरा जो इलाका था, हालांकि मेरे से काफ़ी दूर है ये जो वॉल्केनो मेरे से काफ़ी दूर है, मगर पूरे का पूरा इलाका जो है वो वॉल्केनिक ऐश के अंदर जो है वो दब गया, बेरी हो गया। और कई तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाया था, कई लोग मिले, उनको बॉडीज़ मिली या बोन्स मिली और वो उस वॉल्केनो की ऐश के अंदर बिल्कुल जमी हुई थी। और क्योंकि वो जमी हुई थी तो उनके एक्सप्रेशंस भी नज़र आते हैं कि किस तरह से वो ऐश के अंदर जो है वो फंस गए थे और धंस गए थे, यानी कि वो जिस तरह ज़िंदा थे, पूरा ज़िंदा एक शहर जो था वो वॉल्केनिक ऐश के अंदर जो है वो एकदम से जो है ना फ्रीज़ इन टाइम हो गया। तो लिहाजा आर्कियोलॉजिकली, एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉम्पेई की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर आपने रोम की एवरीडे लाइफ को समझना है कि फैमिलीज़ किस तरह रहती थी, बच्चे किस तरह रहते थे, घर उनके किस तरह से थे, घर के अंदर क्या होता था, सड़कें किस तरह की थी, किस तरह उन्होंने प्लम्बिंग सिस्टम बनाया हुआ था, किस तरह उन्होंने साइड वॉक्स बनाई हुई थी, किस तरह साइड वॉक्स पर उन्होंने ऐसे पेबल्स लगाए हुए थे जो कि मून की रोशनी में चमकते थे ताकि उनको नज़र आए, क्योंकि उस ज़माने में जाहिर बात है बिजली तो होती नहीं थी, वापडा वालों ने बिजली नहीं काटी थी, वैसी बिजली इन्वेंट ही नहीं हुई थी अभी, तो इसलिए उन्होंने सारी ये चीज़ें की हुई थी ताकि लोग जो हैं वो एक शहरी ज़िंदगी कर सकें। और आप देख सकते हैं पीछे मेरे कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टूरिस्ट साइट है, यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो आए हुए हैं, अमरीका से और यूरोप से और चाइना से और कहाँ कहाँ से। इट्स अ मैसिव ग्रेट आर्कियोलॉजिकल साइट। तो और ये जो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे पिंक फ्लॉयड ने अपना कॉन्सर्ट किया था लाइव एट पॉम्पेई, जाहिर बात है उसमें कोई ऑडियंस नहीं थी, बस वो इधर ही खड़े होकर उन्होंने बजाया था। धूप बड़ी पड़ती है यहाँ पे बाय द वे, मगर बहरहाल ये जो जगह है तो मेरे जहन में तो ये थी जब मैंने वो कॉन्सर्ट देखा था, काफ़ी बड़ी जगह है, मगर इतनी भी बड़ी नहीं है। इसका मतलब है कि लाल बैंड भी जो है ना वो यहाँ पे कम से कम एक आधा कॉन्सर्ट तो कर ही सकता है, क्या ख्याल है जी, होना चाहिए कॉन्सर्ट। एनीवे इट्स रियली नाइस टू बी हियर, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के सब कुछ। और जाहिर बात है कि यहाँ पे उनके प्लेज़ और यहाँ पे उनके थिएटर और डिस्कशंस और डिबेट्स और क्या कुछ नहीं होता होगा, सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी ऑल ऑफ दैट। ले जी दोस्तों साथियों, अब हम एक बंदे के घर में जा रहे हैं जो कि पॉम्पेई में रहता था, बड़ी पॉम्प एंड सेरेमनी में शायद रहता था। छोटा सा कमरा यहाँ पे भी है, उसमें आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए। फिर आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे किया हुआ कि जगह बनाई हुई है कि लाइट जो है वो एंटर हो जाए, नज़र आ रही है आपको, ये देखें। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा ज़रूर बगीचा बगूचा होता होगा। यहाँ से फिर गेस्ट अंदर जाते हैं, और ये एक अंदर का कोर्टयार्ड सहन टाइप है, एक और छोटा सा बगीचा। ओए पॉम्पेई में तो महावेश्वर कार भी है। अंदर जाके इसको देखते हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, मगर यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह पड़े हैं। छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत बड़े कमरे नहीं हैं, कमरे छोटे छोटे हैं, मगर सीलिंग काफ़ी ऊंची है,
ठंडा रखने के लिए। गर्मी यहाँ काफ़ी पड़ती है वैसे, काफ़ी गर्म माहौल है यहाँ पर। और ये उनका पीछे बगीचों का बड़ा शौक है इनको, छोटा बगीचा और यहाँ पे आ गया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो यहाँ पे वाइन उग रही है, ग्रेप्स उग रहे हैं, ग्रेप्स उग रहे हैं, सॉरी वाइन तो नहीं उग सकती, ग्रेप्स उग रहे हैं, अंगूर। अच्छा ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, ये सड़क में आप देखे होंगे एक बीच में सड़क है और फिर उसके साथ ये साइड वॉक्स हैं छोटी छोटी। अच्छा इसका असूल ये था कि एंशंट जो पंपे के लोग थे, रोम के जो लोग थे, उन्होंने ये देखें ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। और जो मतलब ये तो एक घर से ड्रेन निकल रहा है मगर इसके नीचे भी, ये जो साइड वॉक है इसके नीचे भी एक ड्रेनेज सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर वाली गली है यहाँ पे घोड़े टांगे वगैरह इस तरह की चीज़ें गुजरती हैं और उनका उसके नतीजे में यहाँ पे काफ़ी कीचड़ कुचड़ होता होगा, मगर जो लोग चलना चाहते थे उनके लिए उन्होंने साइड वॉक्स बनाई हुई थी जिसके नीचे प्लम्बिंग थी। कितनी अमेजिंग बात है कि ये मैं आपको तकरीबन 2100 ईयर्स पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ, मगर कितने सिमिलर है उनका लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल, सिटी प्लानिंग स्टाइल हमारे आज के सिटी प्लानिंग स्टाइल से कितना फेमिलियर है। अच्छा ये देखें एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये आपको सफ़ेद पत्थर नज़र आ रहा है, इस सफ़ेद पत्थर का मकसद ये था कि आपको रास्ता नज़र आए रात के अंधेरे में। इस तरह के पत्थर जगह जगह लगे हुए क्योंकि ये मूनलाइट में शाइन करते हैं तो रात के वक्त भी ये नज़र आते हैं, इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पे लगाए हुए थे। कैसा है? अच्छा जी दोस्तों अब हम आए हुए हैं उनके एंशंट ग्रेवयार्ड में। वैसे आम तौर पे उस पीरियड के अंदर ग्रेवयार्ड बनाए नहीं जाते थे मगर दिस सीम्स टू बी अ बिट ऑफ एन एक्सेप्शन। मिडिल एजेस में तो ग्रेवयार्ड्स फिर बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं, क्रिश्चियनिटी जब आ गई उसके बाद। मैं माविस अब यही बता रहा था कि 79 AD में जब ये वॉल्केनिक इरप्शन के नतीजे में ये सब लोग यहाँ पे मारे गए तो उस वक्त प्रॉबेबली यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का नामो निशान नहीं होगा, लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ ख़ास नहीं जानते होंगे, क्रिश्चियनिटी एक उस वक्त यहाँ पे एक छोटा सा कल्ट होगा। और ये एक ऐसा पीरियड था रोमन एम्पायर की अपनी हिस्ट्री में जो बहुत प्रॉस्परस पीरियड था, तो लिहाजा इस वक्त कोई ख़ास जिसको कहते हैं ना डाउट अबाउट रोम नहीं था, जिसके नतीजे में बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलती चली जाती है। सो पीछे मेरी बीवी भी आ रही थोड़ा बच गया। ओके दोस्तों साथियों अब जहाँ पे हम खड़े हैं पीछे आप देख सकते हैं कि एक वॉल्केनो आपको नज़र आ रहा है, यही वो वॉल्केनो है जो वहाँ से फटा। हाँ यहाँ दिखाओ कहाँ पे वॉल्केनो है, ये नज़र आ रहा है आपको वॉल्केनो, तो यही वो वॉल्केनो है जो फटा और जिसके नतीजे में ये इसके इर्द गिर्द की जितनी आबादियाँ थीं वो जो है तबाह बर्बाद हो गईं। और पॉम्पे जो कि एक मेजर शहर था, 600 साल से यहाँ पे ये शहर था, मेन ट्रेडिंग टाउन था उनका, तो वो बिल्कुल जो है ना उसके अंदर बैरी हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं विनयार्ड्स और उनकी रुइंस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं और वॉल्केनो भी नज़र आ रहा है। और मज़ेदार आपको सबसे बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, सबसे मज़ेदार बात ये कि ये वॉल्केनो जो है डोरमेंट नहीं है, ये अभी भी ज़िंदा है, किसी वक्त भी फट सकता है मानो, किसी वक्त भी। मानो कैसा लग रहा है? मज़े का। क्या बात मज़ेदार लग रही है बताओ ना। जैसे हम 2000 साल पहले चले गए, हम 2000 पुराने ज़माने में कदीम ज़माने में, ज़माना कदीम में। तो ज़माना कदीम और ज़माना जदीद में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है या तकरीबन वैसे वैसे ही है? काफ़ी फ़र्क है। अच्छा मुझे तो लग रहा है तकरीबन वैसे वैसे ही हैं, देखो दीवारें शिवारें हैं और सड़कें सुड़कें हैं और इस तरह की दीवारें होती हैं। देखें किस तरह की दीवारें, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। लो जी माविश वकार कह रही कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मैं कह रहा हूँ कि 2000 साल वाला फ़र्क नहीं लग रहा, लग रहा है 30-40 साल 50 साल पहले वाली बात, गलत कह रहा हूँ मैं? अच्छा ले जी दोस्तों साथियों अब मैं खड़ा हूँ एक घर के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये घर का एंट्रेंस का दरवाज़ा है मेरे पीछे और ये घर वगैरह है और घर के साथ ही आप देख सकते हैं, एंट्रेंस के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कमरा है जो कि जिस तरह हमारे घरों में छोटा सा कमरा नहीं होता जो शायद टॉयलेट हो और ये एक बड़ी सी चुकली है उसके अंदर, मगर बहरहाल फिक्र ना करें घबराएं ना। मगर सबसे मज़ेदार बात ये है कि अगर ये टॉयलेट था या जो भी था मुझे नहीं पता, मगर सबसे मज़ेदार बात ये है कि उन्होंने मैं एक्सेंट इसको ज़रा चेंज करता हूँ, उन्होंने एक साथ ही वही वाला मून स्टोन लगाया हुआ है ताकि अगर रात के अंधेरे में किसी ने
गुसल वगैरह करना हो तो उसको थोड़ी बहुत उसको एक ट्यूबलाइट की सहूलत जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए वैसे बड़े छोटे छोटे कमरे थे, क्यों मानो कमरे जो है ना बहुत बड़े नहीं थे इनके, बहुत ही छोटे कमरे हैं। ये देखो बहुत ही छोटे कमरे, हैरान कौन। आए ज़रा इस छोटी सी जगह में चलते हैं और देखते हैं यार क्या है। ये देखें ये शायद मास्टर बेडरूम हो जिसकी जिसका अच्छा सा व्यू भी था, या शायद किचन हो, क्या होगा ये, किचन टाइप होगा शायद, किचन हो। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे थे। मानो वो कहते हैं वुमन्स प्लेस इज इन द किचन, तो फिर वो तो वहाँ चली जाओ। अच्छा जी, आपसे एक बड़ा मज़ेदार किस्म का फीचर शेयर करना है, वो ये है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना कि ये जो साइड वॉक्स हैं वो तो हैं, और जो मेन गलियाँ थी उसके अंदर बहुत कीचड़ कुचड़ भर जाता होगा, जो खोते गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही होंगी उनका अपना जो गंदगी है वगैरह वो भी हो जाती होगी। तो उन्होंने एक बड़ा इंजीनियस सिस्टम बनाया कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा यहाँ पे चल रहा है और वो दूसरी साइड पे क्रॉस करना चाहता है तो उसको इस गंदी गली में से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने सिस्टम क्या बनाया, ये देखें कि ये पत्थर उन्होंने लगाए बीच में। अब पत्थर की जो ब्रेथ जो विड्थ है वो इतनी है कि कार्ट का एक पहिया वहाँ से गुजर जाएगा, दूसरा पहिया यहाँ से गुजर जाएगा, और जिस बंदे ने क्रॉस करना है उसके ऊपर पैर रख के जो है दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसको कहते हैं इंजीनियरिंग। मेरा एक दोस्त है रजा अहमद खान, रजा अहमद खान ये आपके लिए पैगाम है, इनू कहते ने इंजीनियरिंग करना, कुछ सीख लो तुसी भी। लो जी बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया, आप पूछेंगे क्या, मैं आपको भी बताता हूँ। पता ये चला है कि पोम्पे के जो लोग थे ना असल में तो वो बेसिकली पंजाबी थे। ये देखें आप कि उन्होंने यहाँ पे तंदूर बनाए हुए हैं जनाब अली, हाँ जी तंदूर बनाए हुए हैं, और यहाँ पे वो रोटियाँ छोटियाँ ज़रूर पकाते होंगे जिस तरह हम भी बनाते हैं। कैसी मज़ेदार बात पता चली आपको। ले जी अब जहाँ पे मैं एंटर हुआ हूँ ये लाजमी किसी रॉयल आदमी का घर था। आप देख सकते हैं कि दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई जिसको हम फ्रेस्कोज वगैरह कहते हैं। यहाँ बीच में उन्होंने एक फुहारा सा बनाया हुआ है, जो कि खूबसूरत बात यह है सबसे ज़्यादा इस फुहारे की कि एक तरफ ये फुहारा है, एक सेकंड ठहरो, ये देखें एक तरफ इधर फुहारा टाइप सीन था और ऊपर देखें तो खूबसूरत सी स्काई लाइट भी है। तो यानी कि वहाँ से जो पानी है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता था। सो व्हेन यू एंटर तो आपको ये एक खूबसूरत सा एट्रियम नज़र आएगा जहाँ पे स्काई लाइट है, जो कि क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चर का स्टाइल है। और जब आप एंटर होते हैं, मज़ीद आगे एंटर होते हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक दिस सेंट्रल कोर्ट यार्ड मिलता है जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह हो। और उस कोर्ट यार्ड के इर्द गिर्द आप देखें ना कि बेडरूम्स और प्राइवेट रूम्स और गेस्ट रूम्स वगैरह जो हैं वो कलेक्टेड है। ये जो स्टाइल है ये रेनेसांस ने कॉपी किया था, याद है जो इटली के अंदर मैंने आपको बसिलिका दिखाया था सैन लोरेंजो वाला, यही स्टाइल एग्जैक्टली उन्होंने कॉपी किया था, जो बेसिकली एक रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है कि एक एट्रियम के अंदर आप एंटर होते हैं स्काईलाइट के साथ, और फिर उसके बाद आप एक कोर्टयार्ड के अंदर एंटर होते हैं और साइडों के ऊपर प्राइवेट कमरे वगैरह होते हैं और इस तरह से चीज़ें कुछ ऑर्गेनाइज होती हैं। तो आइए चले एक कमरे का नज़ारा ही देख लेते हैं। नहीं जी ये कमरा है विद अ वेरी नाइस फ्लोर, तो कमरे वैसे इनके अभी भी छोटे छोटे ही हैं, और रूफ़ भी ज़रा देखें मज़ेदार किस्म की छत बनाई है, और हर वॉल पे अब तो खैर सारा वो मिट मुट गया है, मगर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर वॉल पे यहाँ पे पेंटिंग्स और फ्रेस्कोज वगैरह और आर्ट वर्क जो था वो मौजूद था। ये तो मैंने देखा है, वैसे ये इनका एक स्टाइल है कि कोई भी दीवार हो उसको वो जिसको कहना चाहिए तन्हा या नंगा नहीं छोड़ते, उस पर कोई ना कोई ज़रूर वो पेंटिंग ज़रूर बनाते हैं। तो ये देखें, और यहाँ पे तो आपको नज़र भी आ रही है हल्की हल्की पेंटिंग्स, बल्कि यहाँ और भी क्लियर विजिबल है। ये देखें ये आपको बड़ा क्लियरली पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे फ्रेस्कोस थे। उम्मीद है इंजॉय कर रहे हैं आप। ले जी जो फैमिली यहाँ पे रहती थी उसकी हड्डियाँ भी यहाँ पड़ी हुई, ये चेक करें। एक और जो इंतहाई दिलचस्प बात पता चल रही है वो आपको पीछे नज़र आ रही होगी, और वो ये है कि इन्होंने रोमन कॉलम्स बनाए हुए हैं, मगर ये एक ऐसा पीरियड था कि जब उन्होंने आर्च का आर्किटेक्चर नहीं सीखा था, तो लिहाजा वो कॉलम बनाते थे और उसके ऊपर एक सीधी बीम बनाते थे, और ज़ाहरी बात है कि इसकी वजह से उनको ज़्यादा कॉलम बनाने पड़ते थे, ज़्यादा भारी कॉलम बनाने पड़ते थे, क्योंकि अगर सीधी बीम पे आप पत्थर को सपोर्ट करेंगे तो बीम पे बड़ा प्रेशर आएगा, अगर आप आर्च पे पत्थर रखेंगे तो वो प्रेशर जो है ज़रा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साइडों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो 79 एडी में जब कि ये शहर जो है वो तबाह हो गया, उसके बाद ही उन्होंने जो आर्क आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया। तो उम्मीद है कि ये डिटेल भी आपने इंजॉय, क्योंकि इनफैक्ट घर के अंदर भी जो आप देखें कि जो कमरे और उन्होंने टेंपल्स बनाए हुए हैं उसके अंदर भी आपको यही नज़र आएगा कि आर्चेज नहीं है बल्कि बीम्स लगी हुई हैं। तो ये अभी एक डेवलपमेंट थी जो कि आहिस्ता से थोड़ी देर बाद हुई। लें जी, बहुत ही एक दिलचस्प नई बात पता चली है, और वो ये है कि अभी आपने यहाँ पे थिएटर देखा। चले मैं आपको जल्दी से थिएटर भी दिखाई देता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थिएटर है हमारे पास। तो इस जदीद ज़माने में इतने खूबसूरत थिएटर होते हैं, तो उनके पास 2000 साल पहले ये खूबसूरत थिएटर था। ये उसका स्टेज है जो उन्होंने रिफर्बिश किया है, और अभी भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत थिएटर है। मगर दिलचस्प बात यह है कि थिएटर की एंट्री एग्ज़िट में उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई इस तरह से कि जहाँ पे लोग आते जाते थे तो जब वो निकलते थे तो ये उन्होंने जगह बनाई हुई थी जहाँ पे वो बेसिकली अपना यूरिन कर लेते थे। और उसका मकसद ये था, ये कहीं ड्रेन नहीं होता, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता था। कलेक्ट होके फिर अभी थोड़ी सी अजीब सी बात है मगर आपने सुनी, मैंने यहाँ के टूर गाइड से खुद सुनी है, वो ये है कि वो कलेक्ट करके फिर उसको इस्तेमाल करते थे अपने दांत साफ़ करने के लिए, क्योंकि यूरिन के अंदर अमोनिया होता है, तो वो अमोनिया के नतीजे में उनके दांत जो है वो बड़े सफ़ेद हो जाते थे। तो शायद आपको ये बात अजीब सी लगे, शायद अजीब सी ना लगे, मगर दिलचस्प बात आपको ज़रूर लगी होगी और उम्मीद की आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू। ले जी, एक और बहुत ही अमेजिंग डिटेल पता चली, और वो ये कि अगर आप इस सड़क की तरफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सीधी सड़क है, अगर आप इस सड़क की तरफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि और भी सीधी सड़क है, अगर आप इस सड़क की तरफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी सीधी सड़क है, मगर जब आप इस सड़क की तरफ देखेंगे जो मेरे पीछे है तो आपको ये नज़र आएगा कि सड़क सीधी जाती है और फिर बाद में यूँ कर्व हो जाती है। इसका मतलब है कि आप सड़क के एंड तक नहीं देख सकते, आप सड़क के बस एक हिस्से तक देख सकते। क्यों ये कर्व हुई, गाइड ने ये समझाया, और मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या दिलचस्प बात बताई है, अच्छी बात नहीं बताई मगर दिलचस्प बात बताई है। वो ये है कि वो ये बता रही कि इससे आगे रेड लाइट एरिया शुरू होता था, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट शुरू होता था जहाँ पे ब्रॉथल्स और प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होती थी, तो उन्होंने जानबूझ के सड़क को कर्व बनाया इस वजह से ताकि रेड जो यहाँ पे महज़ब ख़ानदान रहते थे और ख़वातीन वगैरह रहती थी जो उस शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, उनको उस डिस्ट्रिक्ट में ना देखना पड़े कि जहाँ पे बेसिकली ब्रॉथल्स थी और रेड लाइट एरिया था। और यहाँ पे मैंने वैसे पढ़ा है कि तकरीबन इस शहर में, काफ़ी बड़ा शहर है, हम इसको चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा, इधर तकरीबन उस ज़माने में भी इधर तकरीबन उनका एस्टिमेट यह है कि 30 ब्रॉथल्स जो थी वो कायम थी, 30 ऐसे जगह कायम थी जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो हुआ करती थी। दोस्तों और यारों, हम इस वक्त पॉम्पे के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ज़रा सबसे पहले तो आप उसके चौक का इर्द गिर्द का एक नज़ारा तो देखें। ये मेरा ख्याल है टेंपल ऑफ अपोलो यहाँ पे था, जो उनका बड़ा सुप्रीम गॉड वगैरह है, और बड़े बड़े यहाँ पे क्या कहते हैं पिलर्स, रोमन पिलर्स वगैरह बने हुए। अच्छा, मगर सबसे दिलचस्प बात जो है ना मानो वो पीछे है। वो पीछे क्या चीज़ है, ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है मानो, ज़रा पहाड़ दिखाना, पहाड़ दिखाना ना ज़रा कैमरा में, किधर है पहाड़, ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, विसुवियस, हाँ माउंट विसुवियस। और हो सकता है कि वैसे आपस की बात है कि वो जो इनका फेस्टिवल हुआ था 23 अगस्त को जो इनका फेस्टिवल हुआ था, जब ये वल्कन को अपना वल्कन के लिए जब फेस्टिवल हुआ था, वल्कन उनका वो गॉड था जो कि गॉड ऑफ वॉल्केनोस था। स्टार ट्रैक में भी आपने वल्कन का नाम सुना होगा, वो यहीं से उन्होंने लिया। तो यहाँ पे उन्होंने 23 तारीख को फेस्टिवल किया, मगर फेस्टिवल में मुझे लगता है कि लोगों ने कुछ अच्छा नहीं गाया बजाया या कुछ खाने ठीक नहीं थे। अगले रोज़ विसुवियस, क्या था, विसुवियस को तप चढ़ी और विसुवियस वहाँ से फट पड़ा, और फट के उसका पूरा लावा और उसकी वॉल्केनिक ऐश और सब कुछ जो है वो इस पूरे के पूरे एरिया में आया और उसको दरल करके कवर कर दिया, और जितने लोग थे यहाँ पे वो बेसिकली जहाँ बहक हो गए। ये आपको बड़ा खूबसूरत सा एक और दिखाना चाहता हूँ, घोड़ा सवार आपको नज़र आ रहा होगा, वो एक्चुअली घोड़ा सवार नहीं लग रहा है, घोड़ा सवार है मगर एक्चुअली, ज़रा करीब से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इट्स रियली अमेजिंग। हमारी मिथोलॉजी वगैरह के, हमारी मिथोलॉजी नहीं, ग्रीक मिथोलॉजी वगैरह के अंदर, रोमन मिथोलॉजी वगैरह के अंदर इसका बड़ा एक
کلیدی سا کردار ہے یا ایک بڑا مزیدار قسم کا کردار ہے اور فینٹیسی موویز کے اندر یہ بھی بہت آتا ہے. یہ دیکھیں جی, اب ذرا قریب سے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا ہے. یہ ایک گھوڑا بھی نہیں ہے, ایک بندہ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک بندہ ہے جس کی ٹانگیں جو ہیں وہ گھوڑے والی ہیں. تو یہ رومن میتھولوجی میں اس کا ایک بڑا اپنا رول ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, آئی تھنک اس کو سینٹور کہتے ہیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں اس نے اسپیئر پکڑا ہوا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک بڑی دلچسپ مت ہے, اور وہ مت یہ ہے کہ جب گریکس نے پہلی دفعہ انکاؤنٹر کیا پرشین آرمی کو, تو پرشین آرمی کے جو شاہ سوار تھے ان کو دیکھ کے وہ اتنا گھبرائے کہ یہ کیا چکر ہے. یا پرشین آرمی تھی یا سیتھین آرمی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا, مگر میرا خیال ہے پرشین آرمی ہی ہوگی. anyway, وہ اتنے گھبرائے کہ یہ کیا چکر ہے, کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ گھوڑا اور آدمی علیحدہ نہیں ہے, آدمی گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہے, بلکہ آدمی اور گھوڑا ایک ہی ہیں اور یہ ایک نیا قسم کا جانور ہے. تو اس طرح یہ مت جو ہے وہ پیدا ہوئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رومن ٹائمز تک یہ مت جو ہے وہ جاری رہی, اور انفیکٹ ان کے ریلیجن کا ایک بڑا سینٹرل حصہ بن گئی. یہ جو پورا ایریا لگ رہا ہے نا, یہ بیسکلی ان کا سیٹ آف گورنمنٹ ایک طرح سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی سیٹ آف گورنمنٹ ہے, جہاں پہ پورے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہو سکتا ہے کہ ان کی بڑی بڑی پیپلز اسمبلیز وغیرہ ہوا کرتی ہوں. پرانے زمانے میں ایسی تھا نا, شہر چھوٹے ہوتے تھے, چند ہزار کی آبادی ہوتی تھی, ملینز کی آبادی تو ہوتی نہیں تھی. صرف روم ایک شہر تھا جس کی 2 million آبادی پہنچی اینشنٹ ٹائمز میں, اور وہ لارجسٹ سٹی ان دا میڈیٹرینین سمجھی جاتی تھی. باقی اکثر شہروں کی آبادی 10,000, 5,000, 6,000, اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. چلو بہت بڑا شہر 20,000 ہو گئی. تو یہ ممکن تھا کہ وقتاً فوقتاً تمام 10,000 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ جو ہے وہ ڈبیٹ ڈسکشن کرائیں. ظاہری بات ہے 10,000 لوگ بات تو نہیں کر سکیں گے, مگر ان کے نمائندے جو ہیں فیملیز کے, ویریس ٹرائبس کے نمائندے جو ہیں ان کے بہاف پہ بات کر سکیں گے, اور اس طرح سے آپ ایک بڑی پیپلز اسمبلی کر سکتے ہیں. یہ گریس کے اندر بھی پریکٹس ہوتا تھا, اور پیپلز اسمبلیز اسی قسم کی جو ہیں وہ پیپلز ٹریبیونز ان کو کہا کرتے تھے, وہ روم کے اندر بھی اسٹیبلش تھے. لے جی, میں ایک بندے کے ساتھ کھڑا ہوں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی پوز میں ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سو رہا تھا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سو رہا تھا جب والکینو جو ہے وہ پھٹا, اور سوتے سوتے ہی وہ اس والکینک ایش وغیرہ کے اندر جو ہے بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ جس طرح سے تھا اسی طرح سے جم گیا, اور اس کی چیزیں یہاں, وہ اس کی ریمینز یہاں پہ پڑی ہوئی. ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے یہ برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. اب یہ برتن جو ہے نا آج سے 2,000 سے زیادہ پرانے ہیں, تو ان کو نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. جی, میں نے پریزرویشن کی بات کی تھی, تو آپ کے لیے ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جو مائیں یہاں پہ آتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں, ان کے لیے انہوں نے خاص طور پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے جو کہ بیسکلی نرسنگ اسٹیشن ہے. اس طرح وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آئیں, اور اگر آپ کو دودھ پلانا پڑے تو اس کے لیے بھی سہولت انہوں نے, آپ کو پرائیویسی چاہیے تو اس کے لیے بھی انہوں نے سہولت یہاں پہ بنائی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں پروگریسو تھنکنگ, اس کو کہتے ہیں فارورڈ تھنکنگ, اس کو کہتے ہیں انلائٹنڈ تھنکنگ. لے جی, اب پومپے کا ٹور کر کے ہم واپس جا رہے ہیں, اور جو قدیم پومپے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو حیران کن چیزیں بتائی ہیں, مجھے تو حیران کن لگیں, پتہ نہیں آپ کو لگیں کہ نہیں, مگر ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جدید پومپے کے حوالے سے کہ یہاں پہ اس ہسٹوریکل سائٹ پہ ہر سال 2.5 million لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں, مگر اگر آپ یہاں پہ سڑک کو دیکھیں یا اس روئن کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی کوڑا کرکٹ نہیں نظر آ رہا, آپ کو یہاں پہ کوئی گری ہوئی پلاسٹک کی بوتلیں نہیں نظر آ رہی, آپ کو یہاں پہ کوئی ریپر نہیں نظر آ رہا, آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی سگریٹ بٹ نہیں گرا ہوا نظر آ رہا, کوئی پان کی تھوکیں نہیں گری ہوئی نظر آ رہی. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے گیٹ سے باہر ہی فوڈ اور ڈرنک بند کی ہوئی ہے, اور اگر آپ کسی دیوار کو, جو اہم دیوار ہے خاص طور پہ فریسکو وغیرہ جہاں پہ, اس کو ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو انگلی بھی لگاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے ایکسکیوز می, یہ آپ حرکت نہ کریں. میں سوچتا ہوں کہ اب آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے بات, مگر حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ روئنس پاکستان میں ہوتے تو یہاں پہ ایک چھلی والا بیٹھا ہوتا, اس کے ساتھ ایک آئس کریم والا بیٹھا ہوتا, اس کے ساتھ شکر قندی والا بیٹھا ہوتا,
और हम सब आके यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे होते, इंजॉय भी कर रहे होते, फिर उनके छिलके जो यहाँ फेंक रहे होते वहाँ फेंक रहे होते, और इस जगह को हम तबाह बर्बाद कर देते। तो अपनी हेरिटेज का ख्याल रखना मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है। आपको अपनी तहजीब का, जिस तरह इटालियंस ने अपनी तहजीब का ख्याल रखा है, अपनी तारीख का ख्याल रखा है, अपनी हेरिटेज का ख्याल रखा है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को भी, साउथ एशियंस को, तमाम लोगों को अपनी हेरिटेज का भी सोचना चाहिए। वजह यह है कि देखें, ये जो हेरिटेज है ना, ये कोई ऐसी एकेडमिक सी बात नहीं है, ये बेसिकली आपकी अपनी कहानी है कि आपके आबा अजदाद कहाँ से आए थे, क्या सोचते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी ख्वाहिशात थीं, क्या उनकी उमंगें थीं, क्या उनके ख्वाब थे, क्या उनके दुख दर्द थे, ये हमारी कहानी है। तो जो हमारी हेरिटेज है वो हमारी कहानी है, जो इनकी हेरिटेज है वो इनकी कहानी है, और जो उनकी और हमारी हेरिटेज मिलाकर है, ये तमाम इंसानियत की कहानी है। तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस हिस्ट्री को प्रिजर्व करें, उस हेरिटेज को प्रिजर्व करें, उसको साफ़ रखें, उसको फंक्शनल रखें, और वहाँ पे कूड़ा कटकट ना हो, वहाँ पे क्रिकेट का मैदान ना वो बन जाए, और उसको तोड़ मड़ोड़ के उसकी ईंटें जो हैं और मकासद के लिए इस्तेमाल ना हों, बल्कि जो द स्टोरी दैट दे टेल, द स्टोरी ऑफ आर हिस्ट्री, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्थ प्रिजर्विंग। क्योंकि कहते हैं ना, दोज हु डू नॉट नो देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीटेड, जो अपनी तारीख नहीं जानते वो अपनी तारीख बार बार दोहराते रहते हैं, वही गलतियाँ बार बार दोहराते रहते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी तारीख को पहचानें, अपने आप को जानें। थैंक यू सो मच।